ब्लॉक होगा वो तो हो गया कि भाई आप सेफ है या नहीं सेफ है। 3 महीने के लिए आप अनसेफ है क्योंकि 3 महीने आप कुछ नहीं कर सकते, 3 महीने बाद आप सेफ है क्यों, क्योंकि आप एनी टाइम विदड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो बात रही सिक्योरिटी की, तो आप वैसे भी आप जब ओपन है 3 महीने, 3 महीने का रिस्क है सर, क्योंकि अब क्रिप्टो में कौन सी सिक्योरिटी दी जाए, मतलब किस टाइप का पेपर दिया जाए, क्योंकि आपसे अगर INR अकाउंट में लेते तो उसमें क्या करते कि हम आपको अपना चेक दे देते, तो जब हम क्रिप्टो ले रहे हैं तो क्रिप्टो में कौन सी सिक्योरिटी, तो इसलिए उसमें ये बनाया गया कि आप पूरी तरीके से फ्री है 3 महीने बाद, लेकिन 3 महीने का रिस्क तो है आपके साथ। अब वो रिस्क 3 महीने का जो आपके साथ है तो 3 महीने कुछ नहीं होगा या इस टाइप का, उसमें क्या किया जा सकता है वो कोई अगर सजेस्ट करेगा बढ़िया सजेशन तो वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये पैसा पूरी की पूरी गारंटी का पैसा है। इसलिए गारंटी कैसे दी जा सकती है, उसके बदले उनको टोकन स्टेक करके दिया जा सकता है 3 महीने के लिए, बाद में वो टोकन फिर हम अनस्टेक कर सकते हैं, ऐसा करके कुछ 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 हमारे पास अभी आइडिया नहीं है, लेकिन कभी आइडिया आएगा तो हम जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो पैसा फुल्ली गारंटी का पैसा है, फुल्ली सिक्योर पैसा है उसके ऊपर। इसीलिए हमने अपने लोगों को बताया कि ये फंड आपको हम शो करेंगे, दिखाएंगे भाई कि ये फंड आपका हमारे पास सेफ है, उस फंड को हम किसी लेन देन में नहीं यूज कर रहे हैं, उस फंड को हम जनरेशन में लगाएंगे और निकाल के फिर रख देंगे। तो ये हो गया पहला। दूसरा इसमें ये हो गया कि 5% मंथली मिलेगा इन्वेस्टर को, और ये तब तक मिलेगा जब तक ये फंड हमारे पास पड़ा रहेगा। तीसरा ये है कि डायरेक्ट में आपको मिलेगा 3-2-1, तीन लेवल जनरेट, तीन लेवल पे मिलेगा, पहले लेवल में 3%, दूसरे लेवल में 2%, तीसरे लेवल में 1%, ये अपडेट हो जाएगा। तीसरा ये है कि जब आप किसी का इन्वेस्ट कराए हों, उनका जैसे ही 5% बनेगा तो पहले लेवल आपके डायरेक्ट होंगे तो आपको भी उन 1% मिलेगा पूरे होल अमाउंट पे, जैसे कि 10,000 पे 500 किसी को मिला तो 100 आपको भी मिला, ऐसे में फिर 1%, आधा परसेंट, 0.25%, 0.15%, 0.1% करके 5 लेवल में भी मंथ में जैसे इन्वेस्टर को जाएगा उसके ऊपर 1% और आधा परसेंट, 0.25% ऐसे करके टीम को भी 5 लेवल तक आएगा। तो डायरेक्ट लेवल 1 लेवल था, लेकिन डायरेक्ट लेवल 3 लेवल हो जाएगा, 3-2-1, और 5 लेवल में आएगा RYR, उसको बोल सकते हैं, RYR नहीं बोलेंगे, कैपिटल के ऊपर वो RY आपको भी आएगा। कैसे तो, आज मैंने $4,000 1000 अपने लगाए थे, $4,000 नीचे लगाए हैं जी जी, तो उसमें मेरे को 50-50 करके मतलब 150 एक आ गया, फिर 50 एक आ गया, $200 5% आ गया, 5×20 200 आना चाहिए था, तो हाँ, 200 आया था, तो पहले मैं 300 ही आया था, फिर अच्छा आपको 200 ही आ गया, लेकिन कल से जो है 3% आएगा, अभी 5 है, कल से 3 लेवल में जाएगा, 3-2-1, तो अभी आपको 5% आ गया होगा। अब आपको आएगा कितना, वो 4,000 के ऊपर जब 4×20 200 बनेगा नेक्स्ट मंथ, तो उस 4,000 के ऊपर 1% 40 आपको भी बनेगा। ओके जी, तो मेरे को थोड़ा सा बस एक्चुअल में पास OLP वाले बंदे बहुत सारे हैं जी, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने पास तो पूरा जो है तमाम चीज है, जो आपको आपके बंदों को पसंद लगता है वो आप उनको दे सकते हैं। और मैंने बहुत पहले बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि लकड़ी का एक कोई बोटा जो है, एक सड़क पे चौराहे पे जलते हुए आपने नहीं देखा होगा ठंडी के सीजन में, आप 3-4 देखते हैं, 3-4 में क्या होता है, एक दूसरे को हीट करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, एक दूसरे का तेल निकालते रहते हैं, फिर वो तेल जलता रहता है उसमें ना सर, कच्चे कच्चे भी रहते हैं तो भी वो गर्म होने से तेल निकलता है उनका, और जब तेल निकलता है तो वो जलते रहते हैं, वो तब तक जलते हैं जब तक पूरा समाप्त नहीं हो जाते हैं, अक्सर आप चौराहे पे देखे होंगे ठंडी में। ऐसे में क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब कि आपके पास प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोजेक्ट है, इसमें एक बात की सिक्योरिटी हो जाती है कि ये प्रोजेक्ट लंबा चले, क्योंकि कोई इसका एक फेल होता है तो उसके एक फेल होने से दूसरा वाला फेल नहीं होगा, दूसरा वाला उसको संभाल भी सकता है, तो इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी। जब कोई सिस्टम में ज्यादा मतलब इकोसिस्टम बोलते हैं ना क्रिप्टो में, इसको इकोसिस्टम जिसका मजबूत होता है वो ज्यादा लंबा चलता है। और हम लोग तो सर मान लीजिए 3 साल से मार्केट में है, तो चाहे हम लोग का इकोसिस्टम भले ही कमजोर रहा हो लेकिन इरादा बहुत मजबूत रहा जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, तो इकोसिस्टम में यही इरादा जी, बिल्कुल इकोसिस्टम में कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
अब वो कोशिश आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, छोटे के लिए कर रहे हैं बड़े के लिए कर रहे हैं? कोशिश हम लोग जो कर रहे हैं वो सर जीवन बदलने के लिए कर रहे हैं, छोटे के लिए तो कर ही नहीं रहे। खर्चे चलाने के लिए, पैसे डबल करने के लिए तो कोशिशें नहीं हो रही। ये तो कोशिश करने में मार्केट में हजारों लाखों सिस्टम है पड़े हुए जो आपके पैसे को डबल कर देंगे, जो आपको कुछ कमवा देंगे। हमारा मतलब सीधा कंसर्न ये है कि पूरी तरीके से 360 डिग्री में लाइफ चेंज हो जानी चाहिए। तो अभी क्या होता है ना सर, जब आप इस तरीके से काम करते हैं लाइफ चेंज के लिए ना, तो बहुत ही अगर लाइफ आगे चेंज होनी है, बदलनी है, तो शुरू में परेशानी आएगी, और अगर लाइफ आगे बर्बाद होनी है तो शुरू में मजा आएगा। तो आपको आया क्या वो आप जानेंगे कि शुरू में मजा किए है कि शुरू में परेशानी आई है? दोनों ले लिया सर। नहीं सर, वो शुरू नहीं, 15 अक्टूबर 2023 से मैं करो ये सिस्टम है। वो मैं उसमें तो मजा आया था सर, उसमें मजा आया था तो सजा हुई थी कि नहीं सर? सर मैंने तो सीधा जनवरी से मजे लेने शुरू करे थे। तो इसमें सर क्या है कि इसमें जो है शुरू में हम लोग सीख के चल रहे हैं, समझ मतलब हम लोग को सीखने को मिल रहा है, हम लोग को संघर्ष मिल रहा है, हम लोग को पेन मिल रहा है। तो क्या होगा ना सर, वो मेरे गुरु ने बोला है कि जब मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह ना करो, लेकिन अगर मंजिल का पता नहीं हो और रास्ते खूबसूरत हो तो उस पे जाने से डरो। कि मंजिल का पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो बस ऐसा ही है सर, यही है। और तो बस अभी सब